हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल एकेडमी, अ हेल्पिंग हैंड इन इंग्लिश। फ्रेंड्स, जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की ये लास्ट वीडियो होगी, इसमें हम बचे हुए प्रीपोजिशन के कुछ यूसेज हैं उसको हम पढ़ेंगे और इंटरजेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसका इस्तेमाल हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अक्सर करते हैं। ठीक है डियर, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वही हमेशा वाली जो रिक्वेस्ट मेरी आपसे अक्सर होती है, जो हमेशा ही रहेगी, क्योंकि कहा जाता है कि सपोर्ट जितना हो जाए उतना कम होता है, क्योंकि ग्रोथ जितनी हो जाए उतनी कम लगती है। तो प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सके, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको एज सून एज पॉसिबल मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। जो कुछ प्रीपोजिशन के सही यूसेज हैं उसको करते हैं। तो अब इस वक्त जो हमारा बचा हुआ है, दैट इज टूवर्ड्स। टूवर्ड्स, जस्ट अ मिनट डियर। जी हाँ, टूवर्ड्स इट मीन्स कि ये जैसे किसी और की तरफ इशारा करता है, किसी किसी पर्सन की तरफ या किसी भी लाइक डायरेक्शन की तरफ या किसी चीज की तरफ इशारा करता है। टूवर्ड्स, एग्जांपल दूंगा आपको समझ में आएगा। देखिए, दे वेंट टूवर्ड्स द मेन गेट। कहां गए वो, किस दिशा की तरफ गए? मेन गेट की तरफ। वे मेन गेट की तरफ गए, ठीक है। तो टूवर्ड्स उसके लिए इस्तेमाल होता है। और एग्जांपल मैं दूंगा आपको, ठीक है। She left towards the front shop, मतलब आगे की दुकान की तरफ वह गई। तो इस तरीके से towards का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डियर, ठीक है। towards का मतलब ही होता है किसी चीज की तरफ, किसी दिशा की तरफ, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी मतलब किसी की भी तरफ, ठीक है। चलिए इस तरीके से नेक्स्ट जो बचता है आपका टू। देखिए, टू का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे से करते हैं। जैसे अब बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आप लेंगे, जैसे ही हैज गोन टू आगरा, ठीक है। शी गोज टू स्कूल। तो आप यहां देखिए, यहां पर आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, क्या कि कहीं पर जाने से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, कहीं पर भी जाने से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, बियॉन्ड बियॉन्ड का मतलब होता है परे, किसी चीज के परे, मतलब जो लिमिट से आगे हो। जैसे हमने एडवर्ब टू में पढ़ा था बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, आपको याद होगा। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट मतलब जो कि लिमिट से कहीं परे है। तो इसी तरीके से बियॉन्ड का इस्तेमाल होगा डियर, जिसका मतलब होता है परे। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं इसका कि द सिचुएशन इज beyond her control, ठीक है, ये आ गया आपका। The situation is beyond her control, मतलब जो situation है वो उसकी control से परे है, उसके control के बाहर है, मतलब limit के बाहर है, वो control नहीं कर सकती, इसलिए beyond का इस्तेमाल होता है डियर। जैसे कोई भी चीज आपकी control से बाहर हो जाए तो वहां पर beyond का इस्तेमाल होता है। और एग्जाम्पल मैं दूं आपको, जैसे कभी कभी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है डियर, नो वन विल गो बियॉन्ड द लाइन, बियॉन्ड द
लाइन। तो ये जो बियॉन्ड है ना, इसका मतलब ये हो गया कि उसके परे, मतलब कोई भी उस लाइन के परे, उस लाइन के आगे नहीं जाएगा, उस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो ये होता है बियॉन्डियर। आपने देखा टूवर्ड्स किसी की तरफ, तो फिर दे वेंट टूवर्ड्स द मेन गेट, शी लेफ्ट टूवर्ड्स द फ्रंट डोर, ठीक है। नेक्स्ट है ही हैज गोन टू आगरा, वो कहां गया है, आगरा। कहीं भी जाने से पहले हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगा टू के बारे में। लाइक आई गिव इंग्लिश बुक टू हिम। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर इसी को, इसके बारे में थोड़ा सा अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को हम अच्छे तरीके से अभी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी जगह भी चाहिए। तो ये तो हो गया कहीं जाने से पहले टू, इसको मिटा ही देते हैं, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, या रहने दीजिए। चलिए, यहां से आप देख सकते हैं, इसको हम आगे और एलोबोरेट करेंगे। लिखा ये तो क्या हो गया। नेक्स्ट है बियॉन्ड, द सिचुएशन इज बियॉन्ड हर कंट्रोल, ठीक है। सिचुएशन क्या है, उसकी कंट्रोल से परे, मतलब कोई चीज लिमिट क्रॉस कर जाए तो बियॉन्ड उसके लिए आता है। नो वन विल गो बियॉन्ड द लाइन, कोई भी लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, तो इसके लिए हम बियॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा इसका यूज मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है, और इसको नहीं यूज करना है तो क्या करना पड़ता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम अभी बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। देखिए, आई गेव हिम इंग्लिश बुक, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया, ठीक। और अगर इसी को आप इसको लिखना चाहें, आई गेव इंग्लिश बुक टू हिम, तो यहां पर टू का इस्तेमाल होता है डियर। जब देखिए, हालांकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यही है, इंग्लिश बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हिम क्या है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, तो आपको फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लिखने से पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आपको टू का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ठीक। लेकिन जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं पहले, और बाद में प्रोनाउन मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जब इस्तेमाल होता है, तो आपको टू लगाना पड़ता है। दिस इज कंपल्शन, दिस विल बी योर कंपल्शन। तो फिर ये जरूरी है कि आपको वहां पर टू लगाना पड़ेगा, वरना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो टू का इस्तेमाल यहां पर भी होता है डियर, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर पढ़ रहे हैं तो इसको पूरा जानिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडर, अंडर का मतलब आप समझते होंगे, अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक है। अंडर कहां, मतलब नीचे, किसी चीज के नीचे, मतलब कि नाव कहां से जा रही है, अंडर द ब्रिज, ठीक। देखिए एग्जांपल दूंगा मैं, द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज अंडर द टेबल, तो यहां पे अंडर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भाई ये तो बड़े घरों में होता है, अच्छे अच्छे घरों में हो जाता है, तो द रैट इज अंडर द बेड। आपको याद होगा कभी कभी ये बेचारे इतना परेशान कर देते हैं, और कभी कभी ये परेशान हो भी जाते हैं, जी हाँ, अगर रियलिटी में देखिए तो कभी कभी ये बेचारे परेशान हो जाते हैं, जाते रोटी खाने के चक्कर में फंस जाते हैं। चलिए, तो उस चीज को छोड़िए। अंडर मतलब आज जो मैं बता रहा था, ये भी मैं बता दूं, द बोट इज अंडर द ब्रिज, ठीक है। नाव कहां है, ब्रिज के नीचे। तो अंडर का मतलब सिंपल सा यूज है डियर, वो सभी को पता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा बताने जैसी चीज नहीं है। द कैट इज अंडर द टेबल, द टेबल के नीचे कैट है,
द रैट इज अंडर द बेड, बेड के नीचे रैट है और द बोट इज अंडर द ब्रिज। तो लगभग लगभग प्रीपोजिशन अब आपका समाप्त हुआ डियर, कंप्लीट हुआ, क्लोज द डोर। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा जो बचा हुआ है दैट इज इंटरजेक्शन। मैंने आपको बताया था कि इंटरजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़ा सा ही होता है और उसी का इस्तेमाल हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं, उसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं उसकी तरफ। चलिए, चलिए देखिए इंटरजेक्शन। ठीक है, कुछ वर्ड्स में लिखूंगा, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि आखिर वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप जानते भी होंगे, कुछ ऐसे हैं जो शायद आपके लिए नए होंगे, तो आइए उसको देखते हैं और क्लियर करते हैं। ध्यान दीजिए, जब जॉय आती है डे, जब जॉय की बात आती है, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, तो उस टाइम पे हुर्रे या हा हा का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, हुर्रे तो हम जानते हैं लेकिन हा हा भी अगर आ गया तो ये आपके लिए जॉयफुल वाला ही सीन बनेगा, जॉय ही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सरप्राइज। तो सरप्राइज हम किस किस चीज में, कंडीशन में हमें दिखता है कि ये सरप्राइज है, जैसे ओ हो गया, व्हाट हो गया, कहते ना व्हाट, ये क्या हुआ, जैसे कि उसका एक्सीडेंट हो गया तो फिर आदमी कहता है व्हाट, तो ओ व्हाट आहा, ठीक है, ये भी होता है, इंडीड भी लगता है, और एल ओ लो जो शायद आपके लिए नया वर्ड होगा। जी हाँ बिल्कुल, ये नया वर्ड होगा, अगर आप 9th 10th में पढ़ रहे होंगे तो शायद कभी देखा हो, नहीं तो फिर ये नया वर्ड है जो यूज होता है। ठीक है, तो ये सरप्राइज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट देखिए डियर, अगला क्या है, अप्रूवल। अप्रूवल के लिए जैसे आपने बहुत अच्छा किया तो उसके लिए यूज होता है डियर ब्रेवो, वेल डन, ठीक, इसका भी इस्तेमाल हो जाता है। नेक्स्ट देखिए अटेंशन के लिए, अटेंशन के लिए लुक या हुश, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने पढ़ा होगा जैसे अगर आपने मेरा वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का देखा हो तो उसमें भी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो बनाए हैं बताए हैं उसमें ब्रेवो या उन सब का यूज किया हुआ है मैंने, ब्रेवो वेल डन। और अगर आपने थोड़ा सा एक और वीडियो देखा हो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन में होते हैं, जी हाँ ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड 12th क्लास 12th के उसमें वीडियो में मिलेगा आपको, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी कि ब्रेवो और वेल्डन यूज होता है तो वहां कहां पर यूज होता है। जब हम किसी को अप्रिसिएट करते हैं, जब हम किसी से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जब हम किसी की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा यू नो लाइक ओवरवेम हो जाते हैं तो फिर हम ब्रेवो या वेल्डन का इस्तेमाल करते हैं। अटेंशन का मतलब हुआ कि लुक या हुश, मतलब किसी को बताते हैं कहते हैं तो लुक, किसी का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं तो फिर कहते हैं उसे शांत रहो, तो शांत रहने का मतलब अब आप शांत हो जाओ, जो हो रहा है उसे देखो, ठीक है, और लुक मतलब देखते हैं, कहते हैं कि देखो वहां पे वो क्या हो रहा है, तो लाइक दैट, तो अटेंशन के लिए। नेक्स्ट देखिए कॉलिंग।
ये खूब यूज होता है डियर। कॉलिंग के लिए हेलो हेलो या फिर हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका वेलकम। हेल हो गया, वेलकम हो गया, और नेक्स्ट है मीटिंग के लिए। खूब जानते हैं क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हाय हेलो हो जाए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल होता है डियर। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार फिर से क्लियर करते हैं। जॉय का मतलब होता है हुर्रे या हा हा, ये सब चीजें हो गई, मतलब कोई हंस रहा है या कोई बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी दिखा रहा है अपने सेलिब्रेशन में, तो वो जॉय हो गया डियर। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित कब होता है, आदमी जब किसी चीज को देखता है कहते हैं ओह, ये सब चीजें किसी ने देखा कि अरे किसी ने किसी को बताया कि यार वो तो फेल हो गया, बोला व्हाट हाउ कैन ही बी फेल, वो कैसे फेल हो सकता है, वो तो बहुत ही अच्छा पढ़ने में था। तो फिर ये उस तरीके से सरप्राइज आहा हो गया, इंडीड हो गया, लो हो गया, जो मैंने आपको बताया कि नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि किसी चीज को करने की परमिशन आपको मिल जाए, अप्रूवल मतलब कि कोई बहुत ज्यादा खुश हो गया आपकी परफॉर्मेंस को देख करके, तो वहां पर ब्रावो या वेल डन का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है अटेंशन। अगर कोई इधर उधर अटेंशन अपना डाइवर्ट करता है तो या उधर उधर देखता है, क्लास में टीचर ही पढ़ा रहा है तो कह रहा है जस्ट पे अटेंशन हियर, तो फिर वो अटेंशन वहां पे आ गया, तो अटेंशन मतलब कि लुक या हुश, ठीक है। तो इसके अटेंशन लेने के लिए लुक या हुश का इस्तेमाल होता है। कॉलिंग हो गया तो हेलो हेलो या हो, ये आप तीनों बोल सकते हैं, ठीक। दरवाजा बंद करो एंजल, तो हेलो हेलो या हो। नेक्स्ट है वेलकम। वेलकम मतलब जाहिर सी बात है हेल या वेलकम का इस्तेमाल होता है किसी का स्वागत करने के लिए, किसी का आह्वान करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मीटिंग, तो उसमें हाय हेलो का इस्तेमाल किया जाता है डियर। तो ये है इंटरजेक्शन के पार्ट, ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ जब इसका एक्सरसाइज होगा तो ये सारी चीजें यूज होंगी। और मैंने पहले भी कहा है, फिर से कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया पढ़ा के मैं निकल गया, नहीं, मैं फिर लौटूंगा उन सारे टॉपिक्स पे। और स्पेशली क्लास टेंथ के लिए मैं बता रहा हूँ, ट्वेल्थ के लिए, क्लास टेंथ एंड ट्वेल्थ इन दोनों के लिए मैं दोबारा आऊंगा, जो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ दोबारा पढ़ाऊंगा, एक बार पहले कंप्लीट हो जाए, एक्सरसाइज में सारी कंप्लीट करूंगा डियर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाया किसी को समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो ठीक, नहीं, मैं फिर लौटूंगा और अब तक जो मैंने पढ़ाया उसके बाद में एक एक एक्सरसाइज करूंगा। मैं ये फिर से कह रहा हूं कि अगर 15 सेंटेंस है तो 15 के 15 सेंटेंस तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, लेकिन 7 से 8 सेंटेंस हर एक एक्सरसाइज में कोशिश ये रहेगी कि 10 भी टच कर जाऊं तो 10 सेंटेंस लगभग लेकर के 8 सेंटेंस या 7 सेंटेंस लेकर के कंप्लीट करके मैं चलता जाऊंगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इनहेंस होगा, थोड़ा सा आपको भी लगेगा कि हाँ हमने जो बनाया और सर ने जो बताया लगभग सेम है, इट मीन्स कि वो टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। तो डियर इसके बाद अब इसमें अच्छा हाँ थोड़ा सा और बचा हुआ है डियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो तीन और बचे हुए तो इसको हम क्लियर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, चलिए नेक्स्ट रेडी है फेयरवेल के लिए। फेयरवेल के लिए जानते ही गुड बाय, ठीक है, या फिर फेयरवेल ही बोल देते हैं। नेक्स्ट है आपका हेट। नफरत के लिए, ठीक है, हालांकि ये चीज बोलने में भी अच्छी नहीं लगती लेकिन है तो यूज करना पड़ता है। दैट इज शेम, फाई, पू, ठीक है।
तो इस तरीके से लगभग इंटरजेक्शन की जो चीजें हैं वो यूज की जाती हैं। जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो इसका यूज कैसे होगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप कि जो मैंने सोचा था कि लगभग आज एटलीस्ट, मैं कल से सोच रहा था कि इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाया मैंने सोचा उसमें खत्म हो जाएगा, लेकिन फाइनली एटलीस्ट वी हैव कंप्लीटेड अवर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लगभग हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर लिया है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को अगर, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसकी वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी कि हाँ डेफिनेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं, यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर, आप किसी बुक से डेफिनेशन क्लियर कर सकते हैं, मुझे उसकी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं डेफिनेशन की वीडियो बना दूंगा और उसको आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन आई होप कि जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है लगभग हमने क्लियर किया और आपने एंजॉय किया होगा, कुछ समझ में आया होगा, कुछ छूट गया होगा, दोबारा रिवीजन करेंगे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है डियर। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसलेशन पे मेरा फोकस करना, मैं सोच रहा हूँ कि ट्रांसलेशन पे फोकस करूं, लेकिन इससे पहले मैं आर्टिकल आपका क्लियर करूंगा। आर्टिकल क्लियर करने के बाद अगर टाइम मिला तो पंक्चुएशन क्लियर करूंगा, फिर उसके बाद में ट्रांसलेशन पे फोकस है मेरा कि ट्रांसलेशन जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो क्लियर कर सकूं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी डियर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड जय हिंद।